इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना के फतुहा से निकलकर सामने आई है, जहां जमीनी विवाद और तात्कालिक दूध के पैसे के विवाद को लेकर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में 4 लोगों को गोली लगी है, जिसमें 3 व्यक्तियों की जान घटनास्थल पर ही चल गई है। वही एक व्यक्ति को घायलावस्था में इलाज हेतु पटना रेफर कर दिया गया है, जिसकी हालत बहुत ही चिंताजनक है। पूरा मामला फतुहा थाना क्षेत्र के सुरगा गांव की है, जहां दो पक्ष जमीन और दूध के रुपए के लेन देन के विवाद को लेकर आमने सामने हो गए, जिसमें दोनों पक्ष के एक के बाद एक करीब 4 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वही एक को गंभीर अवस्था में पटना रेफर किया गया है। मृतकों के नाम क्रमशः जय सिंह, शैलेश सिंह और प्रदीप कुमार है और घायल का नाम मंतोष कुमार है। फिलहाल इस बद्धी और दिल दहला देने वाली घटना के बाद से इलाके का माहौल खराब हो चला है। मौके वारदात पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में लगी हुई है। कई थानों की पुलिस के साथ साथ DSP फतुहा एवं SP भी मौके पर पहुंच गए हैं। सूचना मिली है कि ग्राम सुरगापल जो फतुहा थाना अंतर्गत है, इसमें 3 व्यक्तियों की आपसी गोलीबारी में मृत्यु हो गई है। इस सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई में थानाध्यक्ष फतुहा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और सभी लाशों को अस्पताल में लाए हैं, फतुहा कम्युनिटी हॉस्पिटल में, और यहां से पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और पुलिस बल मौके पर कैंप कर रही है। स्थिति अभी सामान्य है। एक अन्य व्यक्ति की भी सूचना मिली है कि घायल हो गए, उनका भी इलाज NMC में कराया जा रहा है। आखिर ये गोलीबारी जो हुई है दो पक्ष के बीच, कारण क्या रहा है, कुछ पता चल पाया है? अभी तक जो कारण पता चला है वो आपसी विवाद ही मालूम चला है, जिसमें जमीन विवाद होने की संभावना है। धन्यवाद। मार दे।